वैसे तो भक्त को केवल तीन चीजों में बांध दिया जाता है, निष्ठा, विश्वास और समर्पण, कि हमारे अंदर गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति निष्ठा, विश्वास और समर्पण 101% आ जाए तो हम वास्तव में पूर्ण भक्त बनने के अधिकारी बन गए। मगर इसकी और गहराई में थोड़ा प्रवेश कराना चाहूंगा। जिसे नवधा भक्ति कहते हैं, उस नवधा भक्ति को जब यदि आप लोग समझोगे और उसमें अमल करोगे तो आपके अंदर जो संशय बना रहता है, गुरुदेव जी हम आपसे कहीं दूर ना चले जाएं, कहीं आपसे कट ना जाएं, रास्ता तय करोगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। उस संबंध को तोड़ोगे, जोड़ोगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे द्वारा उसी मार्ग पे चल करके तो कहा जाता है कि प्रकट सत्ता में क्षमताएं हो तो मुझको अपने से अलग करके देखें, अपनी भक्त से मुझे विमुख करके देखें। ये वही कह सकता है जब एक बार यदि आप निर्णय ले लो कि अरे प्रकट सत्ता हमारे साथ करेगी क्या, इस शरीर को नष्ट कर देगी, इस शरीर को अपाहिज बना देगी, हमारा सर्वस्व छीन लेगी, कोढ़ियों का जीवन दे देगी, अपाहिजों का जीवन दे देगी, नेत्रहीनों का जीवन दे देगी, प्रकट सत्ता तुम्हारा प्रेम और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि प्रकट सत्ता कभी आपको अपने से दूर करने का तो सोचती भी नहीं है, वो तो हम आवरण खुद पैदा कर लेते हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा। क्योंकि प्रकट सत्ता अपने आप को कभी मार नहीं सकती, वह चेतन है, अजर अमर अविनाशी सत्ता है, और उसी अजर अमर अविनाशी सत्ता के हम और आप सभी अंश हैं। तो जब वो सत्ता में कुछ नहीं हो सकता तो हमारे अंश में भी कभी कुछ नहीं हो सकता। और सकता है हमारे अंदर दृढ़ता हो, विश्वास हो, क्षणिक ना हो, स्थायित्व हो, कि जीवन की अंतिम सांस भी आ जाए, मौत हमारे सामने खड़ी हो, हम सांस हंसते हंसते उसे स्वीकार करने की क्षमता हासिल कर ले। क्योंकि हम आत्मावानों का जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन केवल एक स्थूल शरीर से बंधा हुआ नहीं है। जिस दिन यह दृढ़ता आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन प्रकट सत्ता के साथ अटूट संबंध आपके जुड़ जाएंगे। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से प्रकाशित धर्म अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर सिद्धाश्रम पत्रिका, जो आपको आध्यात्मिक आडंबरों से दूर रखते हुए पूर्णत्व प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है, जिसे आप सदस्य बनकर अवश्य प्राप्त करें। जय मां।